हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने भिंडी को पहले खूब साफ धो लिया है, ये काट लिया है। अब मैं बिल्कुल सादी सिंपल भिंडी बनाऊंगी। सिर्फ मिर्चा, प्याज, नमक और थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला डालूंगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए मेरा तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें प्याज के साथ साथ मिर्च भी डाल देंगे, क्योंकि हरी मिर्च है तो प्याज ज़्यादा नहीं बनेंगे, हल्का ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि भिंडी भी भूटी भूटी है तो प्याज भी उसी में जो रह जाता है वो भून जाता है, जो भी पनीर होता है। मैं भूनते समय ये भिंडी के हिसाब से नमक डाल दूँगी, नमक की मात्रा नमक पड़ गया है, क्योंकि नमक पड़ जाने से प्याज में जो पानी होता है प्याज में वो पसीजे निकल जाता है और प्याज अच्छे से पक जाता है, टाइट वाला प्याज भी अच्छे से पक जाता है। मैं इसके दो अनिया डालूंगी, हल्का खट्टापन आ जाएगा। निकाल लेंगे, अब हल्का प्याज भून गया है, जिसे आगे हल्दी डालेंगे, हल्का सा पाव हरी मसाला। देखिए मेरी भिंडी बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल सादी भिंडी लेकिन खाने में बहुत टेस्टी, मसाले कम और स्वाद ज़्यादा। मेरी भिंडी बन के तैयार हो गई है, देखिए भिंडी और मेरे पराठे तैयार हो गए हैं। आज के खाने में आम वाली भिंडी और पराठे, बिल्कुल सादी भिंडी, हल्का मसाला, कोई मसाला नहीं इसमें, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा बिरयानी मसाला और हल्दी मिर्च, नमक। देखिए बिल्कुल सादा खाना तैयार है। नमस्कार।